उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पवासा स्थित दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों से बातचीत की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। सुबह कैबिनेट मंत्री डॉक्टर यादव पवासा में दुर्घटनाग्रस्त परिवार के परिजनों से मिले। उन्होंने परिजनों को कहा कि आपके परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका पूरा इलाज व्यवस्थित ढंग से कराया जा रहा है और उन्हें अच्छा उपचार मिले, इसलिए निजी अस्पताल में शासकीय खर्चे पर भर्ती किया गया है। उन्हें हर संभव इलाज दिया जाएगा। मंत्री डॉक्टर यादव ने परिजनों को यह भी कहा कि इलाज एवं अन्य खर्चे जो भी हुए हैं वह भी उनको दिलवाए जाएंगे तथा शासन की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। कोशिश लास्ट तक करेंगे। लास्ट तक अगर जहाँ इच्छा हो रही वहाँ भी करवा लो। अगर तुम्हारी जहाँ संतुष्टि जहाँ जिस हॉस्पिटल में पेमेंट तुम चले जाते हम दे रहे हैं ना सरकार से द्वारा पूरा पैसा दिलवा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये हॉस्पिटल ऐसा ही नहीं ज्यादा केयर कर पाएगा तो आप आपकी जहाँ इच्छा हमारे पैसे सरकार से हड्डी का हाथ टूटने का इलाज उसी में बने इसलिए कराया जो है ये मेवाड़ा में ही करता है पूरे देश की उम्मीद है और भगवान जैसा जो अच्छा कर रहे थे अपना और अभी उसको देखते हैं कि करना देख भी रहा हूँ कल जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कल ही कर लेते हैं मत काटो अभी अपने और एक ताकि कैसे करके नशे चालू हो जाए कुछ टाइम मिल जाए पर जान बचाना ज़्यादा जरूरी है एक दिक्कत नहीं सही गाड़ी और देख लेते हैं अंदर वगैरह देख लेते हैं तुम जहाँ देखना मेरी तरफ से कोई मना नहीं तुम चले ना हॉस्पिटल में मेरी तरफ से कोई छूट नहीं हॉस्पिटल से हॉस्पिटल से ही आए हैं अभी तो वो डॉक्टर वगैरह से बात करी है तुमको लगे तो